मस्जिद है यहाँ पे हज भवन में, मैं वहीं नमाज पढ़ता हूँ। खुले में नमाज पढ़ने से क्या? कभी आइए देखिए, मैं वहीं पढ़ता हूँ। सर मीडिया को मैं पढ़ता हूँ। सर बेगूसराय कब लेके जा रहे हैं मीडिया को? नहीं बताऊंगा ना कि मैं आपको बताऊंगा आप कौन कहाँ पढ़ रहा है। मैं तो मस्जिद में पढ़ता हूँ, हज भवन वाले में मैं जाता हूँ। एक सवाल है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कितने इथेनॉल के लिए बिहार को ये अप्रूव किया? अभी 17 किया है और बातचीत जारी है। अभी भी हम लोग गए थे दिल्ली में जाकर मीटिंग कर रहे थे, दिन रात लगे हैं। और बिहार में उद्योग लगे, जब 9 फरवरी को हमने शपथ लिया था उसके बाद 25 अगस्त तक तो लॉकडाउन ही, कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, आपको भी नहीं बुला सकते थे। तो 25 अगस्त के बाद ही हमारा काम शुरू हुआ है। तो 25 अगस्त पूरे बिहार में नई सरकार जो बनी, ऐसे तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी जिसका मैं भी अभिन्न अंग हूँ, तो वो तो 1 साल हुआ है, लेकिन हमने दूसरा मंत्रिमंडल था उसमें हमने ओथ लिया था, उसका अभी 10 फरवरी को ऑफिस ज्वाइन किया, 9 को ओथ लिया, 25 अगस्त तक कोरोना काल ही रहा, अभी भी कोरोना का खतरा बहुत है, तो फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ कोटा कम किया है क्या बिहार का? ऐसी जानकारी मिल रही है कि क्या हुआ पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो कोटा कुछ बिहार का कम किया है, कहा ये जा रहा है कि जिस अनुपात में अब्जॉर्ब। अरे अभी तो कोटा तो हमारा तो 172 करोड़ लीटर मांगा है, मिला है 36 करोड़ लीटर, और भी मिलेगा ऐसा वचन दिया गया है। बयान आएगा दिल्ली से, बयान आएगा दिल्ली से आएगा बयान आज ही। अच्छा सर, एक उम्र जो है 21 साल विवाह के लिए, अभी देखिए मैंने, मैं उस तरह का व्यक्ति तो होने की कह दूँ कि अगर ये आपने कहा सही है, मैंने डिटेल अभी जानकारी नहीं ली है, लेकिन अच्छा प्रस्ताव। एक सवाल है सर, राजस्थान कांग्रेस के एक विधायक है, उन्होंने कहा है कि बिहार में जब चुनाव थी तो गलवान हुआ, यूपी में जब चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो जनरल की शहादत हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में, राजस्थान कांग्रेस के विधायक। क्या हो गया कांग्रेसियों को जी, इतनी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हो गई, CDS रावत साहब का देहांत हो गया, कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले कांग्रेसी, अब CDS रावत की शाह जो उनका देहांत हुआ उस पर भी बयानबाजी कर रही है, कैसे हो गए कांग्रेस बोल रही है पूरा विपक्ष एक साथ होकर मोदी को हराएंगे। कांग्रेस साथ में है उनके कि नहीं ममता जी ये बताएं, पहले ममता जी कांग्रेस से फड़िया लें, बाद में BJP से बात करें। अभी त्रिपुरा गई थी, सब जगह जमानतें जब्त हो गया, दीदी बंगाल में जो हरा हरा दिखता है वो आपको सब जगह नहीं दिखने वाला। क्या बात है, आज इतना माइक क्यों है? आप बुलाए इसलिए आ गए हैं सर? नहीं नहीं, अरे नीचे करो ना, बुला दो तो हम बराबर हैं सर, हम लोग यहाँ पे बराबर हैं सर। अरे यार, अरे भाई आराम से यार, पहला वाला बार करके ले लो। JDU अध्यक्ष ने सर बिहार के लिए जी, क्या हुआ सर? ये बैठक हुआ है कार्यशाला, बैंक जो है छोटे उद्यमियों को जो, देखिए हमने कहा है कि जो PMGT का लोन है वो मात्र 21% दिया है बैंकों ने, हम लोगों ने कहा है कि PMGP का लोन दिसंबर तक 31 दिसंबर तक पूरा दिया जाए, उसके लिए हमने उनसे बातचीत की है। साथ में आज जो KVIC है और खादी बोर्ड है, ये मिलके काम करें, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है वो भी तेजी से हो, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कल इसकी लॉटरी लगा के हम लोग 16,000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से होगा, लाइव उसकी स्क्रीनिंग होगी, आप भी उसको देख सकते हैं, और एप्लीकेशन आधे आ गए हैं, 62,000 के करीब देना 8,000 को था, डबल करके उनको सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको हम उद्यमी, जब एक उद्यमी को लोन देंगे तो
तो वो 10 लोगों को रोजगार देगा। तो समझिए अगर 16,000 को देंगे तो सीधे 1,60,000 को डायरेक्ट रोजगार होगा। इससे जो पहले से स्कीम चल रही है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग सफल बनाने में लगे हुए हैं। साथ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में भी हमने जिले में जा जाकर रिव्यू किया है और अभी भी कहा है कि 31 दिसंबर तक एक भी एप्लीकेशन वेटिंग में नहीं होना चाहिए। बैंक के लोगों ने वचन दिया है कि वो इसको 31 दिसंबर तक करेंगे। बिहार में उद्योग और रोजगार के सिलसिले में तेजी से काम हो रहा है, कई इथेनॉल फैक्ट्रियों का भूमि पूजन हो गया है और हम लोग एक सेवा भी रखेंगे। जो लोग कहें कि नहीं कहाँ हो रहा है, उनको उद्योग दर्शन भी करवाएंगे जहाँ पे काम हो रहा है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रहा है सर, बिहार से दिल्ली तक की बात हो रही है, क्या लगता है बिहार को? बिहार तो है ही हमारे लिए बहुत विशेष, नरेंद्र मोदी जी के लिए बिहार उनके दिल में बसता है, उनके लिए विशेष राज्य तो है ही, लेकिन जो भारत सरकार का एक पैमाना है उस पर निर्णय होगा। बयानबाजी से ये इस पर कुछ नहीं होने वाला है। जो केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है, तो इसलिए जो भी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे और उस पर निर्णय होगा। लेकिन जो पैकेज दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सब पैकेज जमीन पर उतरा है, हर तरह का सपोर्ट उनका है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में केंद्र से पूरी मदद मिली है और बिहार को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिहार बने, ये नरेंद्र मोदी जी के भी मन में है कि बिहार तरक्की करे और यही नीतीश कुमार जी के मन में। सर क्या मुख्यमंत्री के बयान का कोई मतलब नहीं है क्या? सर मुख्यमंत्री के बयान का कोई मतलब नहीं है क्या? विशेष राज्य के पैकेज पर लेके मैंने कहा ना कि ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच का मामला है, कई चीजों पर जैसे जातीय जनगणना, इस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की। विशेष राज्य पर बातचीत करके दोनों जगह तो एनडीए की सरकार है, इसमें हम लोगों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं। पार्टी के विधायक को दी गई सर, यूपी का यूपी चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर उन्होंने दिया था बयान, उसके बाद उनको लगातार कॉल आ रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल। पूरी जानकारी ली जाएगी, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अच्छा, यूपी चुनाव से पहले लगता है कि मामला दिलचस्प होता जा रहा है, लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं, जीत का दावा क्या करें? अखिलेश यादव 5 साल तक सो रहे थे, चुनाव में दौरा करेंगे तो कब करेंगे? जैसे आरजेडी यहाँ 5 साल सोती है, चुनाव में दौरा करती है, उसी तरह अखिलेश यादव 5 साल में कहीं दौरा करते उनको देखे कहीं नहीं। अब चुनाव आ गया है तो दौरा करेंगे, इसमें कौन एहसान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पे?